ई पेपर इंडिया के सभी दर्शकों को ज्योतिषी आनंद शर्मा जी का नमस्कार। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तो आज के पंचांग के अनुसार आज दिन गुरुवार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ब्रह्म योग, विष्टिकरण और चंद्रमा है कन्या राशि में। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आज के दिन मेष राशि वाले के लिए ये दिन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। किसी प्रकार की लाभ की संभावनाएं आज की दिख रही हैं। आज किसी भी प्रकार के नए नौकरी, नए वाहन, नए प्रकार के कार्यों के लिए आज का दिन ये बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। आज का दिन इनका बड़ा ही शुभ है। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बड़ा ही रहने वाला है, मगर आज के दिन थोड़े गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहें। किसी भी प्रकार के पैसे लेनी देनी से आज आप बचें। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाले है। कहीं से अचानक धन लाभ की स्थिति आज बनेगी। इसके बाद बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा मन उदास रहने वाला है। किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार की चिंता ना करें। आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे हम सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी आज का दिन उत्तम होने वाला है। कहीं से नए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। गाड़ी वाहन खरीदने का भी आपको मन कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। मन बहुत खिन्न रहने वाला है। काम नहीं बनने के कारण मन में किसी प्रकार का आप शोक नहीं रखें। लड़ाई झगड़े से, पारिवारिक वाद विवाद से आज के दिन बचें। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी आज के दिन नए नौकरी चाकरी, नए काम धाम के लिए बड़ा अच्छे रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। काम धाम में इन्हें आज के दिन सफलता मिलेगी। अचानक से धन लाभ के भी योग बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है। किसी भी प्रकार की लेन देन से बचें। किसी भी प्रकार के किसी को भी अपशब्द कहने से बचें। वाणी की मधुरता का प्रयोग करते हुए आज आपका दिन शुभ रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे हम मकर राशि की। तो मकर राशि वाले का दिन आज थोड़ा सा संघर्ष में रहने वाला है। काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा संयम रखें। आगे आपका समय बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले के लिए अभी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ होने की संभावना दिख रही है। बकाए जो पैसे फंसे हुए हैं उसको भी प्राप्त करने के आपके योग बनते हुए हैं और आपके भी प्रेम प्रसंग के मामलों में क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। इसके बाद बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की पेट के संबंधित या दांतों से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। नमस्कार, आज का दिन आपका शुभ हो। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।